Rhinoplasty, better known with the name nose job, is a popular cosmetic surgery for the nose correction. Dr. Sunil Arora, founder of ALCS Clinic for Cosmetic Surgery, speaks about rhinoplasty. Rhinoplasty वो surgery है जो नाक की shape को सुंदर बनाने के लिए की जा सकती है. नाक की वो problem जो क्या concern है patient का वो किसी भी तरीके का हो सकता है. कई कंप्लेंट करते हैं कि मेरी नाक की टिप मोटी है, कई कहते हैं कि मेरी नाक का डॉर्सम मोटा है, कईयों को नाक अपनी डेविएटेड या फिर क्रूक्ड नोज लगती है, कई कहते हैं कि मेरे नोज पे हम्प है, डॉर्सल हम्प जिसे हम कहते हैं, जो कि एक बल्ज होता है ऊपर नाक में ऊपर की तरफ. तो ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं ये राइनोप्लास्टी के द्वारा बिल्कुल ठीक की जा सकती हैं और एक सुंदर नाक प्राप्त की जा सकती है. देखिए राइनोप्लास्टी में डिपेंड करता है क्या क्या करेक्शंस करने हैं, टाइम उस पर डिपेंड करता है. तो ये मिनिमम 1 से 1.5 घंटे से करीबन 2.5 से 3 घंटे का टाइम टोटल कंज्यूम कर सकती है. नाक यदि छोटी है, नाक में अगर जिसे हम कहते हैं कंपोनेंट्स जो हैं वो छोटे हैं, तो हमें एक्स्ट्रा टिश्यू ऐड करना पड़ता है उसके अंदर, जो कि हम चेस्ट से या कान से ले सकते हैं. और यदि नाक बड़ी है, नाक के अंदर टिश्यू एक्सेस है, तो हमें टिश्यू उसमें से रिमूव करना पड़ता है. और नाक की बेसिकली जो सर्जरी है राइनोप्लास्टी, वो एक कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्पोनेंट्स है. नाक के अलग अलग कॉम्पोनेंट्स होते हैं, उनको सबको एक तरह से कॉम्प्रहेंसिव तरीके से या एक कलेक्टिव तरीके से एनालाइज करके और देन एक राइनोप्लास्टी प्रोसीजर प्लान किया जा सकता है. और उसके बाद ही सर्जरी का जो ड्यूरेशन है या अवधि है वो डिसाइड की जाती है. नहीं, देखिए ब्रीदिंग डिफेक्ट्स अगर नाक की वजह से पेशेंट को लगता है तो उसका जो मेन कारण, सबसे कॉमन कारण रहता है वो DNS रहता है, डेविएटेड नेजल सेप्टम और क्रूक्ड नोज. तो यदि वो क्रूक्ड नोज है साथ में DNS है तो डेफिनेटली वो सेप्टोराइनोप्लास्टी के द्वारा ठीक की जा सकती है. तो उसमें दोनों चीज़ें रहती हैं, एक मेन कॉम्पोनेंट रहता है नेजल ब्रीदिंग का, उसके साथ साथ दूसरा कॉम्पोनेंट रहता है नाक की एस्थेटिक्स का, नाक की सुंदरता का. तो वो दोनों कॉम्पोनेंट सेप्टोराइनोप्लास्टी के द्वारा, प्लास्टिक सर्जरी द्वारा बहुत अच्छे से करेक्ट किए जा सकते. राइनोप्लास्टी करने के 2 तरीके हैं, एक तो इंटरनल अप्रोच और एक एक्सटर्नल अप्रोच. इंटरनल अप्रोच जो होती है उसमें नाक के अंदर की तरफ इंसिजन या कट लगाया जाता है और उसी के द्वारा नाक के जो कॉम्पोनेंट्स हैं, जो राइनोप्लास्टी में जो कॉम्पोनेंट्स का करेक्शन करना है, उन्हें अप्रोच किया जाता है और करेक्ट किया जाता है. इस विधि में जो स्कार या कट है वो नाक के अंदर की तरफ होता है और बिल्कुल विजिबल नहीं होता है. और एक दूसरी टेक्निक होती है एक्सटर्नल राइनोप्लास्टी, जिसके अंदर की जो कट लगाया जाता है वो नाक के बिल्कुल छिपे हुए हिस्से में, स्किन पे सबसे पतले हिस्से पे लगाया जाता है और वहाँ से नाक को पूरा एक्सपोज करके, नाक का जो अंदर का जो स्केलेटल है, जो आर्किटेक्चर है, उसे पूरा एक्सपोज करके और जो जो करेक्शंस कॉम्पोनेंट्स में रिक्वायर्ड है उन्हें किया जा सकता है. एक्सटर्नल अप्रोच यूजुअली तब प्रेफर की जाती है जब, जिसे कहते हैं कि नाक में अगर हम माने कि काफ़ी कंपोनेंट्स में इश्यूज हैं या कंसर्न्स हैं और उन्हें एक साथ करेक्ट करना है, तो एक्सटर्नल अप्रोच प्रेफर की जाती है. जो कट होता है वो कुछ ही mm का होता है और वो भी नाक के छिपे हुए हिस्से में होता है और यदि हम उसे 3 से 6 महीने बाद देखें तो वो नाक के बराबर विजिबल होता है. और उसके बाद एक तरह से एक ड्रेसिंग रहती है स्टिचेस की, वो करीबन 5 से 6 दिन बाद हटती है. और यदि हमने और कंपोनेंट्स को करेक्ट किया है नोज़ के, तो नेजल स्प्लिंट लगाते हैं हम, नाक का एक स्प्लिंट लगाया जाता है नाक के ऊपर, वो करीबन 10 से 15 दिन रहता है. इसके अलावा सर्जरी के बाद नाक में थोड़ी सूजन आती है जो कि 15 दिन तक थोड़ी ज़्यादा विजिबल होती है. तो इसीलिए जो एडवाइजेबल चीज़ रहती है पेशेंट के लिए वो यही है कि 15 दिन तक आउटडोर एक्टिविटीज़ या पब्लिक डीलिंग जैसे काम वो थोड़ा अगर अवॉइड कर सकें तो ज़्यादा अच्छा रहता है. और अगर हम बात करें एक्सरसाइज और विग्रेस एक्सर्शन की, तो वो करीबन 4 से 6 हफ्ते बाद बिल्कुल नॉर्मली रिज्यूम कर सकते हैं पेशेंट.